What's up guys, this is उज्जल कुमार सेन and you're watching उज्जल कुमार सेन YouTube चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, BPSC रिक्रूटमेंट के बारे में, राइट? तो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन टू वॉच माय ऑल न्यू वीडियोस। तो ये जो है BPSC 64th नंबर एग्जामिनेशन चल रहा है, मतलब इससे पहले 63 टाइम्स एग्जाम हो चुके हैं, तो डेफिनेटली समझ सकते हैं, राइट? और एग्जामिनेशन का जो आपको कुछ बता दूं चीजें, इसका जो फीस है मैक्सिमम फीस कितना है 600 रुपीज, मिनिमम फीस कितना है 150 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, जो जनरल कैटेगरी के आते हैं 600 रुपीज के हैं, बाकी जो ST SC OBC प्लस फिजिकली जो डिजेबल होते हैं उनका 40%, उसमें एक एग्जैक्ट कैटेगरी होता है उसमें 150 रुपीज लगेगा। इसका स्टार्टिंग डेट जो है आपका 3rd of August था 2018, और लास्ट डेट क्या है इसका 20th of August। लेकिन इसका जो परीक्षा का शुल्क है, मतलब इसका जो फीस है, आप 24th तक दे सकते हैं, राइट? हाँ, लेकिन आप अगर आपको अगर भरना ही ऑनलाइन फॉर्म, तो लेट क्यों करना, फटाफट इसके लिए फॉर्म भरो, बिकॉज ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। टोटल वैकेंसीज कितना है 1255, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए 1255 है, सारे कैटेगरीज के यहाँ पर है। सिविल इंजीनियर भर सकते हैं, मैकेनिकल भी भर सकते हैं, इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं। लेकिन मजे की बात ये है, जो मैकेनिकल वाले हैं, इसके जितना वैकेंसीज कितना है आपके, वैकेंसीज तो एग्जैक्टली नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर जो मैकेनिकल वाला कोड कितना है 20 कोड है, बीसीए कोड 20 है, राइट? अच्छा, और किसी बताऊंगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके बारे में तो आप क्या करो, अगर आप पहले कभी प्रिपरेशन नहीं करे हो तो आप क्रैश कोर्स या फिर आसपास कोचिंग ज्वाइन कर लो ऑनलाइन भी, अगर आपके पास कोचिंग के लिए टाइम नहीं है या फिर पैसे नहीं है या फिर कुछ रिसोर्सेज में कमी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेस होते हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं, गुड बुक्स खरीद सकते हैं। कुछ टिप्स आपको बता देता हूँ, आप क्या करिए, जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर है उसको आप उठा लीजिए, उसके बाद अगर कोई दोस्त है आपके साथ जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप उनके साथ बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हैं, ग्रुप स्टडी, राइट? अच्छा, अब इसका जो एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूंगा, जो बहुत सारे शायद मिस्टेक करेंगे या फिर उनको पता नहीं है, वो क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप क्या करो, डाउनलोड करके आप उसको सॉफ्ट कॉपी एज वेल एज हार्ड कॉपी इसको आप रख लो, और जो ऑनलाइन फॉर्म का भरने का जो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, मतलब यहाँ पर जो वेबसाइट का नाम है, ये आपके पास वेबसाइट आ गया, राइट? अच्छा, और एक बता दूं, सिलेबस भी आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा, आप वहां पर इसका डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है सिलेबस देख के स्टडी करना, और आप रिसर्च करने मत लग जाना, बाय गॉड आप सिर्फ प्रिपरेशन करना अपने एग्जामिनेशन के लिए, अगर रिसर्च करना है तो PhD कर लेना बाद में अगर मन करे तो, राइट? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रिसर्च करने लग जाते हैं, लेकिन आपका मेन मोटो क्या है, एग्जाम को क्रैक करना, ताकि आप जिस पर्पज के लिए इस फॉर्म को भरने वाले हो वो फुलफिल्ड हो सके। तो होपफुली गाइस आपको पता लग गया इस रिक्रूटमेंट के बारे में, कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में आप कमेंट करो, और डेफिनेटली आपको हेल्पफुल हो जाएगा, बहुत सारे बंदे एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं, राइट? सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट जॉब अपडेट्स और नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।